नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। लालू प्रसाद यादव का रिम्स में इलाज चल रहा है और डीके झा हर शनिवार की तरह आज भी उनके मेडिकल बुलेटिन को लेकर के मीडिया के सामने आए। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के हेल्थ बुलेटिन को जारी करते हुए मीडिया से बातचीत की और कहा कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन उनके हार्ट बीट में, उनके हार्ट रेट में इरेगुलरिटी है, मतलब कि अनियमितताएँ हैं, जिसकी वजह से उनका ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि जो बातें सामने आई थी मीडिया में कि लालू प्रसाद यादव स्ट्रेस में चल रहे हैं, इस बातों को डॉक्टर जी के झा ने खारिज कर दिया। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। स्टेबल है, ब्लड प्रेशर शुगर नियंत्रण में है, बाकी सब जैसा है उसी चल रहा है, ठीक है, स्टेबल। पहले जो डिप्रेशन में थे, एंग्जायटी वगैरह, डिप्रेशन में वो नहीं थे, ये गलत खाना होना, ये गलत मीडिया में रिपोर्ट चला गया था। वो दो दिन जो है वो राजनीति में उनको बहुत गहरी रुचि है और राजनीति का किला है, किसी से छुपा है नहीं, चिपके रहे, बिल्कुल चिपके रहे दो दिन तक टेलीविजन से। और उसके चक्कर में वो नाश्ता देर से खाए, अब कोई अगर देर से नाश्ता खाएगा तो नेचुरली अब दो घंटे के बाद चावल नहीं खा सकते, फिर रात में खाना खाए, तो दो दिन वो चावल से स्किप किए थे। उसमें हम लोग जो यूजुअली 80 से 86 यूनिट इंसुलिन देते हैं, तो दो दिन हम लोग 60-60 करके दिए, दिन का जो 24 से 26 यूनिट चावल में इंसुलिन देते हैं, वो दो दिन इंसुलिन नहीं पड़ा, लेकिन बाकी ठीक है, एकदम वो स्टेबल चल रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। वो गलत न्यूज़ चला गया कि डिप्रेशन उप्रेशन कुछ नहीं है, वो एकदम स्थिर चित्त से। सर उनका जाँच रिपोर्ट सब आने वाला है, उनका ECG हम लोगों ने किया था हाल में ही, और ECG में जो उनका हार्ट रेट पहले से अनियंत्रित चल रहा है वही था, कोई नई बात उभर के सामने नहीं आई। अभी भी मतलब जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर चल रहा है, वो तो चलता ही रहेगा, वो रिवर्ट नहीं होने वाला है। तो ये खतरे की बात है कि नहीं सर? ये सब सवाल आप मत पूछिए, खतरे की बात है ये सब पूछा नहीं जाता है, जब खतरा आता है तो फिर हम लोग उसका सामना करते हैं, इसको सोच सोच के माथा खराब करने से कोई बहुत फायदा नहीं। मतलब स्वस्थ प्रसन्नजीत हैं? हाँ हाँ, एकदम स्टेबल है, स्वस्थ है। मतलब टीवी में राजनीति में काफी रुचि ले रहे हैं वो? राजनीति उनके खून में बहता है, राजनीति उनको बहुत पसंद है, फुल टाइम उनका माइंड में थिंकिंग में राजनीति ही चलता है, हम समझते हैं ये, हम राजनीति जैसे हम लोगों को मेडिसिन प्यारा है, उसे उनको राजनीति प्यारा है। सर कुछ दिशा निर्देश दिए, कुछ प्रिकॉशन लेने के लिए, कुछ गाइडेंस वगैरह? कुछ गाइडेंस में जो उनका नॉन वेज डाइट है वो तो बदस्तूर हम लोग कुछ जारी है, और इस बीच में हम लोगों ने प्रशासन से एक ECG मशीन की यहाँ पेइंग वार्ड में, और एक ऑक्सीजन की मांग की, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो खैर सिलेंडर है, एक टेलीफोन लैंडलाइन की मांग की है, और उम्मीद है कि वो हम लोगों को एक हफ्ते के अंदर मिल जानी चाहिए। और जनरेटर जो है, रेयरली लाइन अगर कटता है उसमें भी बैकअप रहना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने भी लिखा है सरकार प्रशासन को कि जनरेटर को चीज़ दुरुस्त रखा जाए। देखिए उम्मीद करते हैं कि हो जाना चाहिए जल्दी। फिर दो बार बुलेटिन जारी करने की बात आ रही है, उनके पार्टी के नेताओं ने की है, क्या इस दिशा में कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? देखिए हम लोग किसी भी पार्टी के हिसाब से बाध्य नहीं है जी, हम लोग उनका इलाज कोर्ट के माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में कर रहे हैं। पार्टी के नेता जो मांग कर रहे हैं उस पर जो रिम्स प्रशासन के लोग निर्णय लेंगे, हम लोग उस पर टिप्पणी करने हेतु सक्षम नहीं। सर सर जितने लोग मिलने आते लालू जी से, परिवार के लोग, सारे लोग बोलते हैं उनकी तबीयत, तो गलत क्या बोलते हैं? तबीयत ठीक, जिसका तबीयत ठीक नहीं है, ठीक रहता है वो कोई अस्पताल में रहता है, वो कोई भी अस्पताल में, आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा आप एक दिन भी रखना बिना ठीक रहेगा तो रखना पसंद कीजिएगा? ये बिल्कुल जाहिर बात है कि अस्पताल में कोई भी रहना चाहता है, अस्पताल कोई बहुत शौकिया जगह है, बिल्कुल। बाहर इलाज की, बाहर इलाज के लिए या तो हम लोग उचित समझेंगे तो भेजेंगे, हम लोग को अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि बाहर इमीडिएटली कुछ करना है, या उनके तरफ से अनुरोध आएगा कभी भी तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, दोनों में से कुछ अभी ये नहीं है। तो आपने सुन लिया कि जब मीडिया कर्मियों ने सवाल ये किया कि उनके परिवार वाले कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर डी के झा ने कहा कि अगर किसी की तबीयत ठीक होती है तो क्या वो अस्पताल में रहता है? अगर आपकी तबीयत ठीक होगी तो आप एक दिन भी अस्पताल में गुजारना चाहेंगे? ये सवाल डॉक्टर डी के झा ने मीडिया के सामने रखा। आगे और क्या कुछ आता है अपडेट, लाइव सिटीज आपको सबसे पहले पहुंचाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद।